बोलने के पहले दो शब्द कहना आवश्यक समझता हूँ मैं गुरुमुखी भाषा का भी जानकार नहीं और गुरुवाणी का भी बहुत अध्ययन नहीं है परंतु मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे भाई दलजीत सिंह ने नवे गुरु जी के वाणी के आधार पर कुछ कहने की प्रेरणा दी है और मैं उनकी इच्छा ही नहीं मुझे इसकी आवश्यकता भी अनुभव हो रही है मैं कितना कह पाऊंगा ये मेरे पूर्ण अधिकार में नहीं है जैसा कि कभी मुझे गला बैठने का नहीं हुआ पर इस कार्यक्रम के आरंभ में ही गला बैठ गया तो इसलिए मैं याद करता हूँ कि गुरु महाराज जो कहलवाना चाहेंगे उतना कहलवाएंगे परंतु इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने गुरुवाणी उपनिषद गीता तथा विश्व के अच्छे संत चिंतकों से जो सुना पढ़ा और उसको मैंने अपनी बुद्धि की कसौटी में भी खरा पाया उसको कहने का प्रयास करूँगा शब्दों की अशुद्धि होती ही है और कितना विद्वान हो वो बोलने के बाद एक क्षमा मांगता ही है कि मुझसे जो शब्दों में बोलने में त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करे तो इसलिए मैंने इतना कहा जैसे भारत में कोई ग्रंथ लिखता है कोई प्रवचन शुरू करता है तो मंगलाचरण करता उस कार्य की सफलता के लिए तो आध्यात्मिक कार्य की सफलता के लिए भी हम कोई न कोई मंगलाचरण करते हैं उपनिषदों पर बोलने पर उपनिषदों का मंगलाचरण करते हैं पर मुझे गुरुवाणी पर बोलना है इसलिए गुरु महाराज का मूल मंत्र बोलकर मैं प्रवचन प्रारंभ करूँगा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सह गुरु प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच जैसे भारतीय लोग वैदिक लोग ये, लो, लो ये मानते हैं कि गायत्री के मूल मंत्र में पूरे वेद समाहित है और ये भी मानते हैं कि गायत्री मंत्र भी ओम में ही समाहित है ओम ही संपूर्ण ज्ञानों का भंडार है तो यहां पर भी एक ओंकार ही पूर्ण है उसी का नवे गुरु जी की वाणी में भी प्रारंभ करते एक सदगुरु प्रसाद एक ओंकार लगभग भारत के सभी प्रांतों में सभी भाषाओं में है ओंकार की आकृति भिन्न है पर ओम का स्वरूप ओम की सच्चाई एक समान है उसमें कोई मतभेद नहीं है उच्चारण में प्रसिएशन में भी कुछ भेद हो सकता है लेकिन लिपि में तो विशेष करके भारत में अन्य बहुत तरह की भाषा की लिपियां हैं उसमें गुरुमुखी भी एक लिपि है गुरुमुखी की लिपि को हम हिंदी की लिपि से तुलना नहीं कर सकते वो अपने आप में एक लिपि है एक भाषा दूसरी की भाषा से गलत लगती है इसलिए किसी की भाषा को हम उन्हीं के विश्वास की भाषा से नापते हैं यहाँ तक हिंदुओं में वैदिक व्याकरण आज की व्याकरण से भिन्न है ऐसे गुरुवाणी की भी व्याकरण अपनी है इसलिए उनके जो शब्द हैं उनमें हमें सुधार करने का अधिकार नहीं है जैसे वैदिक शब्दों का आज की व्याकरण से हम नहीं नापते तो गुरु महाराज ये कहकर एक ओंकार सदगुरु प्रसाद एक ओंकार अर्थात वह एक है उसका जिसको हम ओंकार कहते हैं या परमात्मा कहते हैं ब्रह्म कहते हैं वो एक है उपनिषद में ये कहा है य तो वह इमानी भूतानी जायते न जाता विशंति दद्ण ब्रह्म तज वि वह एक जिससे सारी सृष्टि हुई है। इमानि सारी सृष्टि जिससे हुई है। लोक परलोक सब जिससे हुए और जिसमें जीवित है जिसमें रहते हैं जिसमें दिखाई पड़ते हैं जिसके बिना दिखाई भी नहीं दे सकते और जिसमें अंत में लीन हो जाते हैं वो है एक ओंकार वह है एक परमात्मा दुनिया में कोई दो परमात्मा नहीं कहता अन्य विश्व के संप्रदाय भी और सब कुछ अनेक मानते हैं पर परमात्मा अनेक नहीं मानते यह इस सृष्टि का जो मूल सत्य है वो एक है जो हुए हैं ये अनेकता नश्वर है हम तुम अनेक हैं ये नश्वर है यहां तक हमारे भाई गुरुदास जी ने ये माना है कि सतयुग में क्या नाम था जो उतारा है फिर बाद में क्या हुआ बाद में और कलयुग में वही गुरु नानक देव जी कहलाए कहीं न कहीं भगवान के आने को स्वीकार किया हमारे लिए आते हैं मैं कुछ कहूं इसके पहले मूल सत्य आपके ख्याल में आ जाए कि वो एक है पर जब वो आता है तो युग युग में उसके अलग अलग नाम हो जाते विशेष करके इसलिए मैं जिक्र करता हूं कि नवे गुरु जी ने उस भगवान के अपनी ही बाणी में एक ही प्रसंग में कई कई नाम ले लिए अर्थात उस एक के अनेक नाम है हिंदुओं में सनातन धर्म में तो केवल विष्णु के सहस्र नाम है कुछ विदेशी मुझे मिलते हैं तो कहते हैं भारत में एक ही कठिनाई है कि हमको वाटर कह देते हैं बस वाटर यहां हिंदी में बहुत नाम पानी के पानी भी है जल भी है वार्य भी है तोय भी है और कहीं कहीं तो प्रकरण भेद से पानी शब्द बड़ा ही अच्छा है पानी शब्द की व्याख्या है पातुम योग्यम पानीयम जो पीने योग्य है पेय अब हमको लिखते हैं ये पीने का पानी असल में तो जब पीने का हो उसी को पानी लिखना चाहिए बाकी को और नाम देना चाहिए जैसे मैं कहा करता हूं गोबर जो गाय से निकला हुआ मल है जो गाय से निकला विकार है जो लीपते हैं पवित्र है उसको अशुद्ध नहीं मानते इसलिए उसका नाम गोबर है मनुष्य बहुत अच्छा है बड़ा श्रेष्ठ है पर इसकी गंदगी को गोबर नहीं कहते शब्दों का बड़ा महत्व है तो यहां गुरु महाराज कहते हैं एक ओंकार पर उस एक ओंकार का पता कैसे चलेगा जो पैदा नहीं हुआ कभी समाप्त नहीं होता जो सदा है जो सर्वत्र है इसीलिए नवे गुरु जी के प्रकरण में इस उ परमात्मा के लिए कहेंगे कि काहेरे बन खोजन जाए यदि वो कहीं होता तो खोजने में ही जाना पड़ता आजकल तो साधु भी जो हिमालय के हों वो ज्यादा अच्छे मानते हैं हिमा, साधु भी अब सब जगह के नहीं रहे हिमालयन कहो तो जरा ज्यादा अच्छे होंगे तो भगवान भी कहा के आसमान के चौथे आसमान के भारत के विदेश के भगवान भी किसी देश का अच्छा होता है शिव जरूर कहीं के अच्छे होते हैं अंगूर कहीं के अच्छे होते हैं कई चीजें किसी देश में अच्छी होती हैं भगवान तो सारे देश में एक जैसा ही होता है कहीं कम नहीं होता कहीं भी रहे इसलिए उसके ढूंढने के लिए भी कहीं जाना नहीं है पर फिर पाना कैसे कहें सतगुरु प्रसाद ध्यान रखो बिना सतगुरु के प्रसाद के प्रसन्नता के नहीं मिले गुड़ौ तत्व न साधु दुराव ही आरत अधिकारी जहां पावे गुड़ से गुड़ रहस्य साधु नहीं छिपाता जब पात्र देख लेता है जब अधिकारी उसका ग्राहक मिल जाता है एक जगह हम चले हमारी बस छूट गई अब कोई उपाय नहीं था वहां रुक ही पड़ता वह तो हमारी मजबूरी थी पर सचमुच मजबूरी भी जहां नहीं होती वहां भी संत किसी के प्यार से रुकते हैं वहां तो हमारी मजबूरी थी रुकना ही था पर एक व्यक्ति आ गया कहते हमारे घर चलो हमने कहा तुम ना आते तब भी किसी जगह तो ठहरते पर तुम आ गए बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे शेर आ जा यूं तो इनकी कीमत बहुत है गुलसन संतों की योगियों की ज्ञानियों की यूं तो इनकी कीमत बहुत है गुलसन पर कोई ग्राहक हो तो मुफ्त भी बिक जाते हैं ये जो गुरुओं का प्रसाद ये बांट देते हैं पर पात्र हो तो पैसे से नहीं देते नहीं तो प्रसाद नहीं होता गुरुद्वारों में प्रसाद नोट देख के नहीं बटता मंदिरों में पुजारी के हाथ ही बताशे हैं वहीं चढ़ाने वाला है देख लेता है कितना बड़ा नोट उतने मुट्ठी बड़ी छोटी कर लेता है लेकिन गुरुद्वारों में जो प्रसाद बटता है कड़ा प्रसाद वो और कहीं दर्शन और कहीं यदि वहीं पर देना पड़े तो शायद सरदारों का भी मन बदल जाए वो नोट देख के मन फिसलता है कम ज्यादा कर देगा पर जिसके हाथ प्रसाद है उसके सामने नोट नहीं तो ये ब्रह्म विद्या भी नोटों से नहीं मिलती आजकल नोटों की कथा चल पड़ी गुरुओं का तो प्रसाद है प्रसन्न हो जाए तुम्हारी श्रद्धा देख लें तुम्हारी पात्रता देख लें तो एक ओंकार का प्रसाद मिल जाएगा एक सतगुरु प्रसाद और गुरु प्रसाद देखो कई बार एक बात कह दी गई फिर पूरे शब्द नहीं कहने पड़ते जैसे एक बार मेरा परिचय दे दो एक हजार इतने युग गुरु स्वामी परमानंद जी महाराज पर बीच में दस बार नाम लेना हो तो इतनी लंबी लिस्ट सुनाओगे क्या नाम लेके छुट्टी करो नहीं तो पूरा व्याख्यान तो इसी में चला जाए इसलिए यो तो गुरुओं ने सतगुरु प्रसाद कहा पर कहीं कहीं गुरु प्रसाद भी कह दिया आवश्यक नहीं लगा कि बार बार सतगुरु कहें पर अर्थात सत्य का प्रकाश कर देने वाला सत्य को स्पष्ट कर देने वाला ब्रह्म को अपरोक्ष कर देने वाला हाथ में रखे आंवले की तरह दिखा देने वाले का नाम सतगुरु है उसका प्रसाद है एक ओंकार एक ओंकार उसी के प्रसाद से तुम्हें मिलेगा शास्त्र में बोलने के पहले एक बात कह देना आवश्यक समझता हूं जिन संतों की बाणी का कहने का मुझे सौभाग्य मिला है सिर्फ वक्ता नहीं थे सिर्फ पढ़े नहीं थे वो शहीद हुए फिर भी उनकी निष्ठा उनकी सोच उनका विश्वास डिगा नहीं गीता में स्थित प्रज्ञ बोलते जिसकी प्रज्ञा अपनी जगह से हिलती नहीं अपने निश्चय से डोलती नहीं उनकी बाणी कहने का मुझे सौभाग्य मिला है उनकी बाणी कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है मनुष्य पढ़ के भी टेप रिकॉर्डर बन सकता है छपी हुई पुस्तक बन सकता है पर वह साक्षात अनुभव की प्रकाश है वो जीवंत ग्रंथ है नवे गुरु जी ग्रंथ है नवे गुरु जी संत है नवे गुरु जी पूर्ण है और इसीलिए मैंने एक साधना का अपनी तरफ से नाम सोचा था क्योंकि हर शिविर का नाम रखते हैं कभी अपरोक्षानुभूति कभी विवेक चूड़ामणि, कभी मांडुक उपनिषद इस बार नवे गुरु जी की बाणी पर रखा है पर शिविर का नाम मुक्ति साधना शिविर स्वाध्याय साधना शिविर नहीं ज्ञान साधना शिविर नहीं मुक्ति साधना शिविर तुम्हें मुक्त होना चाहिए मुक्ति के लिए ज्ञान के भी पहले कोई शर्त है कोई कंडीशन है पात्रता है ज्ञान के पहले पात्रता फिर ज्ञान सभी मैंने कहा था गूढ़ तत्व न साधु दूरा हुई संत गूढ़ से गूढ़ बात बता देते हैं पर सामने वाला उसका पात्र दिखाई पड़ मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक शिष्य संत से कहता था मुझे ब्रह्म ज्ञान दो मुझे तार दो मुझे ब्रह्म ज्ञान दो मुझे ये समझा दो संत टालते रहते फिर 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 एक दिन संयोग से संत यो तो सब जगह भिक्षा लेने जाते थे पहले भारत में संत भिक्षा लेके ही खाते इसीलिए संतों का नाम भिक्षुक पड़ा था और भिक्षा का अधिकार सिर्फ उसी को है जो कुछ भी न रखता हो ध्यान रखो जो साधु पैसा रखते हैं और नाई से बाल बनवाई में कहते हैं हम साधु हैं वो साधु नहीं बेईमान है देने के लिए तू साधु है और रखने के लिए तू सेठ है जब नाव से पार जाना होता है तो कह देता है, हम साधु हैं कुली को भी कहेगा मैं साधु रिक्शे वाले को कहेगा मैं साधु हमारे संत बड़े मानते भिक्षा लेके खा लेते थे शंकराचार्य ने लिखा है करतल भिक्षा हाथ में वो भी थाली में नहीं कर तल भिक्षा तर तर वाशा पेड़ के नीचे रहना हाथ में भिक्षा ले जिनको इतना वैराग्य हो मुक्ति तो उनके पीछे पीछे फिरेगी पर हमारे दस गुरु विचित्र संत थे अंतर की संतता तो एक होगी जो मांग के खाता है और जो देश की चिंता करता है अंतर से दोनों संत है बाहर से फर्क है। कृष्ण के जीवन में और राम के जीवन में बाहर से बड़ा फर्क है न राम कम है न कृष्ण कम है राम सीता के वियोग में रोते दिखाई पड़े सती कहती है भगवान शिव ने राम जी को दंडवत प्रणाम किया आप कल्पना करो साक्षात भगवान शंकर राम भगवान को गिर के प्रणाम करते हैं लोगों को प्रणाम भी आज झंझट लगती जो प्रणाम नहीं कर सकता वो मुक्त नहीं हो सकता कहीं ना कहीं आपका ईगो है शंकर भगवान प्रणाम करते हैं गिर के दंडवत प्रणाम करते हैं। शती को लगा कि ये तो सीता के वियोग में रोते फिर रहे हैं तुम्हें भी दुर्गुण दिखाई देते हैं इसलिए आपको श्रद्धा नहीं होती शतियां अभी भी बहुत हैं। बहुत है ऐसे लोग जिनको संत दिखाई नहीं देता सती को भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे एक संसारी दिखाई पड़ रहे उनका तुम्हें विश्वास नहीं है तो परीक्षा कर लो सती परीक्षा करने चली गई परीक्षा में राम तो खरे निकले सती फेल हो गई संत जो बाहर से दिखता है वही नहीं है जो दिखाई पड़ते हैं कई बार तो असंत भी संत दिखाई पड़ते हैं दिखाई देने का नाटक तो कोई भी कर सकता है यद्यपि वो भी कठिन है आसान नहीं है एक दो मिनट का ड्रामा तो हो सकता है पूरे जीवन संतता का नाटक करना भी आसान नहीं है एक यहां त्यागी जी हैं वो एक सुनाते हैं मुझे भी अच्छा लगा झूठा खेले झूठा खेले सच्चा हो ए, सच्चा खेले विरला खोए यदि जीवन भर संतता का कोई नाटक भी कर ले तो हो सकता है संत ही हो जाए क्योंकि एक दो दिन नाटक चलता है दो दिन चलता है चार दिन चलता है रोज पैसे न छूना रोज कपड़े न रखना कैसे चलेगा इसलिए नाटक थोड़ी देर चलता है राम का भी रोने का नाटक था थोड़ी देर का था सती जी के सामने पता चल गया कि ये असली भगवान नहीं है अब सती लौट के झूठ बोलती झूठ भी सबको बोलना आता है लौट के शिव जी ने पूछा परीक्षा कराई हो कहते नहीं मैंने परीक्षा नहीं की देखो हम बात बात पर झूठ बोलते तो वो बोली परीक्षा नहीं की हमने तो आपकी ही तरह प्रणाम किया तो भगवान शंकर कहते हैं, सब कुछ जान लिया जो सती ने किया था सीता बन गई थी हा सीता बन के परीक्षा ले रही थी कि उसी के लिए तड़फ रहे हैं शायद एकदम हाँ खैर कहने का अभिप्राय हम जिनकी कथा करना चाहते हैं जिनकी वाणी का प्रसाद बांटना चाहते हैं। उनका जीवन सामने है वो शहीद हुए दिल्ली में शहीदी गुरुद्वारा है ऐतिहासिक इति, है कई लोगों के इतिहास में भी संदेह होते हैं, पर इनके बहुत इतिहास प्रामाणिक है इसलिए उन गुरु की बाणी कहकर मैं आनंद का अनुभव करता हूं यद्यपि मेरा विचार पूरी बाणी कहने का था पर इसमें भी दलजीत सिंह निर्मला की इच्छा है कि सलोक महिला नवा इस पर बोलूं ठीक है जो गुरु महाराज किसी के द्वारा कहलवा रहे हैं मैं तो नवे गुरु जी का ही हुक्म मानता गुरु गोविंद गायो नहीं गुण गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की जिन्होंने परमात्मा का गुण परमात्मा का स्वरूप परमात्मा की विशेषताएं परमात्मा की खूबियां परमात्मा क्या है जैसे हम किसी के गुण एक भैंस बड़ी अच्छी है बड़ी सुंदर है बड़ी मोटी है कैसी चमड़ी है हम सारी दुनिया का गुण गान गाते हैं जबकि दुनिया में बहुत दुर्गुण है दोनों दुर्भाग्य है आज देश में कई दुर्गुण वाली चीजों में दुर्गुण नहीं देखते असुचि में सूचि बुद्धि अनात्मा में आत्मबुद्धि अनित्य में नित्य बुद्धि जो नहीं रहने वाला उसे नित्य रहेगा ऐसा समझ जो असुचि है कितना गंदा है काम आदि संबंध पर गंदे नहीं लगते मेरे गुरुदेव के मेरे एक गुरु भाई जब सन्यासी बने तो उनका चरणों तक ले रहे थे तो किसी आम आदमी ने देखा कि तुम पढ़े लिखे बीए पास थे उस जमाने में रेल के तुम अच्छे कर्मचारी रहे तुम इतने प्रतिष्ठित हो के चरण धोके पी, पीते हो तुम्हें घृणा नहीं लगती आ, उन्होंने कहा तुम्हे इसमें घृणा लगती है और तुम्हें काम आदि के संबंधों में घृणा लगती है जब तुम कामातुर होते हो तो तुम्हारी घृणा मर जाती है तो भक्त्यातुर जो श्रद्धातुर है उसकी गुरु पर कहीं घृणा रह सकती घृणा तो कामना की कमी है भक्ति नहीं है श्रद्धा नहीं है तो गुरु में कमी लगती है पत्नियों में कमी नहीं नजर आती घृणा नजर नहीं आती पतियों में कितना गंदा काम है काम की निवृत्ति हो जाए देखो उसी में घृणा लगे मैं गंदगी का यहां वर्णन नहीं करना चाहता पर भगवान के गुण नहीं नजर आते इसका मतलब हमारे अंदर भक्ति नहीं है हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है इसलिए भगवान के गुण नहीं याद आते अच्छे नहीं लगते तो गुरु महाराज कहते हैं गुण गोविंद गायो नहीं परमात्मा का गुण तो नहीं गाया चर्चा नहीं की बोलना भी बोलना भी महिमा गाना है गाना जैसे लोग अपनी महिमा गाते हैं मैं इतना पढ़ा था कई हमारे पास आते हैं तो पूरी लंबी लिस्ट सुनाते मैं इस पद में था तो मैंने कहा मुझे क्या करना तुम्हारे पद से तुम कहीं कुछ भी थे आखिर मैं तुम्हारे पद को चाटू क्या मैं लोभी होता तब भी तुम्हारे पद की थोड़ी वैल्यू करता पर तब जब कुछ देते बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर ये तू बड़ा भी है अब पंथी को नहीं अब फल ला गए थी दूर तेरा रुपया तेरे यही बैंक में रहेगा आश्रम को तो मिलना नहीं तेरी बड़ाई का क्या करूं तू बहुत पढ़ा है तू मुझे क्या करेगा तू बड़े पद में हमारे बेटे को नौकरी भी नहीं दे सकता तेरी बड़ाई को अचार डालू बड़े लोग अपनी महिमा गाते हैं हमारे यहां के भी अपनी महिमा हमारी नहीं गाते अपनी महिमा हमें सुनाते कि हम उनकी महिमा में रीझ जाए श्रद्धा नहीं श्रद्धा दिखाई पड़े गुरु रीझ जाते हैं फिर प्रसाद दे देते हैं गुरु का प्रसाद मिलता है धन से प्रसाद नहीं मिलता पद से धन से लोभी गुरु रीझ जाता है पद से हाँ पद से जो बड़प्पन चाहता है गुरु रीझ जाता है कि बड़े बड़े चेले होंगे तो मेरी भी नाम बढ़ जाएगा प्राइम मिनिस्टर स्वामी जी का चेला अब बस अब प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू है मेरी क्या वैल्यू वो चेला बना इसलिए मेरी वैल्यू बढ़ गई पर गुरु उसको प्रसाद देते हैं जिसके अंदर परमात्मा के पाने की सुमिरन की इच्छा है तो गुण गोविंद गायो नहीं तो नुकसान क्या है नहीं गाया भी क्या इससे क्या बात है परमात्मा का गुण नहीं गाया तो हुआ क्या कहें जन्म बेकार गया जन्म की भगवान का नुकसान नहीं है उनके गुण गान नहीं गाए उनकी महिमा नहीं गाई तो नुकसान क्या है और कह लगे दुनिया की महिमा गाई उससे नुकसान क्या हुआ कह फस गए और क्या हुआ धन की महिमा गाई फंस गए स्त्री अच्छी लगी फंस गए बेटे अच्छे लगे मोह में फंस गए देह अच्छा लगा तो दिन भर शीशा देखते रहो तुमने और किसी की महिमा जानी गाई सुनाई और जब प्रेम से न सुनी तो रोए आपने अपनी महिमा सुनाई हमारा मूड न सुनने का है तो तुम्हें लगेगा स्वामी जी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते दे। अब तुम्हारी महिमा सुनने में हम क्यों ध्यान दें अपनी महिमा तुम आप सुन लो अपनी महिमा किसी को क्यों सुनाते हो उसको चेला बनाना है उसको अपना बनाना है उसको गुलाम बनाना है तुम अपनी महिमा उसे क्यों सुनाते हो वो तो बहुत अच्छा होगा तो सुन लेगा नहीं और जलन होगी तुम अपनी बिल्डिंगे दिखाओ तो झुग्गी झोपड़ी वालों को परेशानी होती है ये झुग्गी झोपड़ी वाले अमीरों से क्यों जलते हैं तुम्हारी कोठी है वो झोपड़ी में रहता है तुम्हारे बाथरूम है तुम्हारा तो बाथरूम इतना बड़ा है कि जितना गरीब आदमी का घर भी नहीं है सारे घर की लागत एक तरफ तुम्हारे बाथरूम की लागत एक तरफ वो जलता है तो तुम्हारी महिमा से गरीब खुश होता है क्या तो तुम जिनको महिमा सुनाते हो उनको और आग लगाते हो महिमा गाना है तो परमात्मा की गाओ, और उससे तुम्हारा जन्म सफल होगा और निर्धन भी कई बार बड़ों को देखता है बड़े 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 लगते हैं तो फिर उसको भी आग लग जाती नहीं लगती किसी की कोठी देख के शांति मिली कि आग लगी किसी के कपड़े देखकर किसी की कार देख कर, अब हमारे आश्रम में भी इतनी अच्छी महंगी से महंगी कार लाते हैं तब तो बहुत ही गुरुओं की बाणी का असर हो तो हो नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो जाए जरा देखो तो तुम कहां जीते हो कहां खड़े हो किसकी महिमा तुमको पता चलती है भगवान की इसलिए जिन्होंने गोविंद का गुणगान नहीं किया अपना जन्म बेकार गवा दिया कैसे बेकार होगा जन्म इसलिए बेकार गया जन्म अकारद क्योंकि जन्म तो जाने वाला है देखो जन्म तो जाने वाला ही है रहने वाला जन्म तुम्हें मिला नहीं आपको तो मिला है ना आपको जो जन्म मिला है ये सदा रखने के लिए ये तो जाना ही है पर अकार जाए असार्थक हो जाए बस इतनी सी बात है शरीर तो मेरा भी जाएगा नहीं, नहीं जाएगा झूठ बोलोगे सच बोलो ना जाएगा किसका शरीर नहीं गया राम कृष्ण का गया शरीर तो सबके ही जाने वाले हैं पर एक जाने के पहले उसे पालेगा कि जाने से व्यर्थता नहीं लगेगी जैसे सार्थक हो गया फर्क समझ लीजिए जन्म अकारत की नानक हर भज मना विद जल को मीन यहां भी गुरु की जरूरत है गुरु प्रसाद की कह नानक हर मना परमात्मा का भजन कर पहली लाइन में गोविंद कहा है तीसरी लाइन में हर कहा है समझ में आया हर विष्णु को बोलते हैं या शंकर को बोलते हैं हम तो हरी बोलते हैं हरी कोई हरिद्वार बोलते हैं कोई हर द्वार बोलते हैं क्योंकि दोनों उधर हैं इसलिए दोनों का द्वार है तो यहां हरि विष्णु मान लो चाहे शंकर मान लो गोविंद तो जानते ही जानते हो ठीक है तो गुरु महाराज ब्रह्म में पड़े हुए हैं कहीं कुछ कह देते हैं कहीं कुछ विदेशी लोगों की सोच है कि ये कई बात कहो बार बार एक ही कहो गुरु महाराज एक बात कहते हैं पर हजार बातों से एक ही बात कहते हैं ध्यान रखना वो कोई नाम ले एक ही नाम लेते हैं एक ओंकार सब नामों में एक नाम एक ओंकार सत नाम और भी कर्ता पुरुष गुरुओं ने कर्ता राम पिछांग एक ओंकार कर्ता पुरुष हम लोग कर्ता भगवान को नहीं मान रहे दूसरी बात ये समझने की है कर्ता राम को जानो कर्ता परमात्मा को जानो कर्ता एक ओंकार है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष और उसका नाम सच्चा है सब नाम झूठे हैं। इसलिए उसका भजन करो नानक हर भज मना आय मन हर का भजन कर प्रभु की याद कर कैसे करें जैस जे विध जल को मीन दो अर्थ है एक तो जैसे जल को मछली छोड़ती नहीं छोड़ती नहीं खाती वह जीती वह रहती वह बच्चे वहां पैदा करती पानी के बाहर नहीं जाती तुम भी खाते पीते रहते परमात्मा के बाहर ना हो तुम ब्रह्म के भीतर रहो क्योंकि बाहर भीतर वही है तुम परमात्मा के बाहर न जाओ ये है मछली की तरह का भजन और एक में गुरु की जरूरत है पानी में मीन प्यासी है आप आश्चर्य करोगे हमने सुना है ये हमें पक्का नहीं है कई चीजें सुन के बोलते हैं कि मछली पानी में प्यासी रहती है। अंधेर है पानी में मीन प्यासी है मुही सुनी सुनी आवे हंसी है कबीर साहब कहते हैं कि समुद्र में घोंगा प्यासा एक घोंगा भी होता है समुद्र में है प्यासा है सारी दुनिया में भगवान सारी दुनिया में प्रभु और हम प्रभु के से वंचित हैं क्यों वंचित है जब सब जगह हवा है, हुआ है हम हवा से वंचित नहीं ट्रेन में हमें हवा आश्रम में हमें हवा बॉम्बे में हवा दिल्ली में हवा हाँ ऐसी जगह भी है जहां हवा नहीं है पर वहां अभी हम नहीं जाते ठीक है वो मछली वो मछली पानी की है पानी के बाहर नहीं जाती हम मछली हवा की है तुम भी मछली हो हवा के बाहर चले जाओ एक रुपया देंगे ऐसी जगह जाओ राकेट से जहां हवा न मिले मर जाओगे मछली वहां मर जाएगी जहां पानी नहीं होगा फिर फिर भी अभी मरती तो नहीं जिंदा रहने वाल को पानी तो प्राप्त है पर प्यासी है ऐसे तुम्हें रहने वाल के लिए तो ब्रह्म है नहीं तो जिंदा ही ना होते पर तृप्त भी नहीं हो भगवान पाने की तृप्ति भी नहीं है और भगवान होने का दुख है जी रहे हो जवान हो रहे हो बूढ़े हो रहे हो किसकी सत्ता से किसके एग्जिस्टेंस में पहले ही कहा था जिससे सब होता है तो हुए उससे हो रहते ही उसमें हो लीन भी उसी में होते हो फिर भी उसी के पाने के लिए तड़फ रहे हो वही तुम्हें प्राप्त नहीं इसलिए पानी में मीन प्यासी है कैन कैसे मिलेगा कैन एक ओंकार सदगुरु प्रसाद परमात्मा तुम्हें गुरु के प्रसाद से मिलेगा अपनी मनमानी से तो मछली कैसे पानी पीती है सुना है कि उसके गले में कांटा छेद होता है कि यहां से जब वो चलती है तो पानी यहां से जाता है और बाहर निकलता है जैसे एक कांटा होता है घास फूस में या एक लटजीरा होता है उसके कांटे उल्टे बने होते हैं और ये गेहूं की बाल के भी पर उल्टे होते हैं एक तरफ को हो जाए तो चलते ही चला जाएगा एक तरफ को मालूम नहीं पड़ेगा तो लटजीरा की लटको ऐसे करो तो कुछ भी नहीं ऐसे करो तो पता चल जाए ऐसे चूंकि उसके कांटे इधर को हैं ऐसे नहीं लग ऐसे करोगे तो लगेगा ऐसे ही उसका जो छेद है मछली का सुना है मैंने न मैंने मारी ना मैंने पकड़ी न मैं मल्ला हूं ना मैंने देखी पर मल्लाह से पूछने का मन हो गया आज कि मैं किसी मल्लाह से मछली को देखना चाहूंगा क्योंकि तो मैं बोले जाता हूं तो आज तो मैं बोलूंगा अब जरूर देखूंगा कहते हैं उसके ऐसा एक छेद होता है कि जाके बाहर को निकलता है भीतर को नहीं जाता पर इधर से यदि जाए तो फिर नीचे अंदर चला जाता है जैसे ये बाल ट्यूब होते हैं ना साइकिल में हवा भरते हो डालते हो तो अंदर चली जाती है और गई हुई लौटती नहीं एक गई हुई लौट आए तो दिन भर भरते ही रहो नहीं समझ में रोज भरते हो कि नहीं अब देखो जाने को चली जाती है आती नहीं ये भी ढंग है ऐसे ही पानी बाहर चला जाता है पेट में नहीं जाता तो मछली प्यासी रहती इसलिए मछली जैसे भजन करती है तैसे ही तुमको भी भजन करना आया है कह नानक हर भजमना जय विद जल को मीन जैसे जल को मछली जब उलट जाती है जब ऐसे चलती है तो नहीं ऐसे जब होती है तो ऊपर से पानी जाता है ऊपर से जब जाता है तो अंदर चला जाता ऐसे जाता है तो बाहर चला जाता है बनावट है उसकी ऐसे ही तुम्हारा मन यदि इधर रहेगा तो वो होते हुए वो तुम्हें नहीं मिलेगा इसलिए तुम्हें भी उल्टा है उल्टा नाम जब जग जाना आगे नहीं कहूंगा इतने ही काफी है उल्टोगे तुम्हारी वृत्ति जो इधर है वो पूरा याद नहीं है बुल्ल्या रबनू क्या क्यों क्या क्या पाना हाँ इधरों पुट के ला पौधे को यहां से उखाड़ के तुम्हारा मन इधर लगा है ऑब्जेक्ट में लगा है सब्जेक्ट में लगाना है दृश्य में लगा है दृष्टा में लगाना है सृष्टि में लगा है परमात्मा में लगाना है बस तृप्त हो जाओगे मुक्त हो जाओगे धन्य हो जे विधि जल को मीन जैसे जिस विधि से जे विधि जल को मीन विधि शब्द का प्रयोग किया है जैसे रहती है नहीं कहा जैसे मछली रहती तैसे तो तुम ब्रह्मी में रहते हो पर जो विधि उलट करके पानी अंदर लेने की उसको मालूम हो गई है तुम्हें भी परमात्मा पाने की विधि मालूम हो जाए तो तुम चैन में रहोगे इसलिए फिर गुरु महाराज कहते हैं से हो काहे रचियो तुम विषयों में इतना क्यों रुचि ले रहे हो रमे क्यों रंगे क्यों लिप्त क्यों विखियन से हो काहे रचियो निमिख न हो उदास एक मिनट को उदास नहीं होते और होते हो ना तो सो जाते हो या तो विषयों में रचे रहते हो या सो जाते हो विषयों से हटकर थोड़ी देर भी भगवान की याद में नहीं जगते भोगों की याद में जगते हो धन की याद में जगते हो एक को नींद नहीं आवे वैश्य प्रतीक्षा में वैश्य की प्रतीक्षा में रात गवाई आएगी 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 जो वादा कर देते हैं देखो कैसे जागते हैं नींद नहीं आती पर भगवान की बात करते नींद आ जाती है जिसको नींद ना हो उसे माला दे दो आ जाएगी लोगों की शिकायत है ये भक्ति हीन लोग हैं श्रद्धा भक्ति है तो हम विषया सकते हैं देखो एक तरह का बल एक तरह का निर्बलता होती है कई को लड़ने का बल हो ना तो बुद्ध की तरह शांत रहने का बल नहीं है कई में है लड़ने का बल हमारे एक आचेला है इनको मैं साथ रखने से डरता हूं क्योंकि रोज मेरे चेलों से लड़ेंगे चलो हटो ऐसे पर यह मैं नहीं कर सकता मैं चाहूं भी कि अब हटा दू तो मैं नरक में रहूंगा दुख में रहूंगा बीमार हो जाऊंगा चाहता हूं कि तुम जाओ पर तुम नहीं जाओ तो मैं हटाता नहीं तो ऐसे चेले चाहिए कि जो ना हटे उन्हें पकड़ के हटा दे ठीक है अर्थात एक में एक तरह का बल है तो संसारी में विषय की आसक्ति का बल है पर भगवान के पाने का बल नहीं है और जिनको संसार की आशक्ति नहीं है उसमें भगवान के पाने का स्थित रहने का बल है एक तरफ निर्बल हो गए तो दूसरी तरफ बलवान हो जाओगे एक तरफ बलवान हो गए तो दूसरी तरफ निर्बल हो जाओगे संसार की ज्यादा चिंता रहेगी तो नींद ठीक आज जिसको नींद ठीक आएगी वो चिंता छोड़ेगा तभी सोएगा चिंता छोड़ो सुख से सो ठीक भगवान के पाने के लिए विषया शक्ति का त्याग इसलिए गुरु महाराज मुक्त होने की बात कर रहे हैं लेक्चर नहीं दे रहे फिर मैं बता दू गुरु महाराज मुक्त पुरुष है वो तुम्हें भी मुक्त करना चाहे ये मुक्ति साधना शिविर है तुम्हें मुक्त होकर जाना है तो विषयों में तुम क्यों रचे हो निमित भर उदास क्यों नहीं होते तुम बातों से क्यों नहीं थकते दिन भर बातें करते हो जिनके जबान नहीं काम नहीं चलता जिनके आंखें नहीं काम नहीं चलता इस जबान से क्या करोगे यहां मैं बोलूंगा तुम सुनो तुम्हें कान चाहिए तुम्हें जबान नहीं चाहिए चार दिन के लिए तुम्हारे पास जबान नहीं है बहुत जरूरी हो तो हाथ है कागज से लिख देना पहली शर्त क्योंकि ये मुक्ति साधना शिविर क्यों बोलते हो इधर उधर की बातें करोगे, निंदा करोगे स्तुति करोगे दोनों गुरुओं ने मना किया है समय बर्बाद मत करो आपका समय जाया हो रहा है व्यर्थ हो रहा है उस समय को सार्थक करो तो मौन ही नहीं रहो मौन के समय सुमिरन करो एक तरफ से शक्ति बचाओ दूसरी तरफ लगाओ से काहे रचो निमिक न हो उदास थोड़ी देर को भी उपराम नहीं होते धन पाके भी धन से उपराम नहीं होते धन खोके भी धन से उपराम नहीं होते पद पाके भी उपराम नहीं होते कि इस बार मैं रह गया अगले बार इसको पद दे दो किसी मिनिस्टर से किसी विधायक सांसद से पूछो पांच साल तू रह चुका है चलो औरों को मौका दे दे नहीं? तूने आज मान पा लिया है कल दूसरे को दे दे, ही ही नहीं, छकता ही नहीं, देख भर को सो तो जाता है थक के, पर उपराम नहीं है कि ये इसे दे दो मुझे नहीं चाहिए उपराम नहीं है उदास नहीं है किसी और को मिल जाए नहीं हमने छोटे बच्चे को देखा दूध नहीं पीता था मां का मां कहती थी पीले नहीं खेलने में लगा है खेलने में लगा है पीने का मन नहीं है मैंने आंखों देखा मेरी मां की स्वयं घटना है मैंने स्वयं देखा दूध नहीं पीता तुम भी देख लेना तुम तो मां हो दूध नहीं पीता तुम दूसरे बड़े बच्चे को बुलाओ आ तू पी ले उस बच्चे को लिया अपनी छाती में लगाया तो तुरंत आया उसका मुंह हटाएगा एक में खुद मुंह लगाएगा दूसरे में हाथ रख के कब्जा रखेगा कि कोई और ना पी ले अब तेरा पेट भरा है कोई और पी ले तो पी लेने दे पर पेट भरा है तब भी जी छोड़ने को नहीं करता इसको कहते उदास नहीं है सिख समाज में एक संत संप्रदाय है उदासीन पहले गुरु जी के एक पुत्र उदासीन उदासीन का मतलब जिन्हें कुछ चाहिए नहीं और किसी को पाने से चिढ़ते नहीं कई त्यागी साधु पैसे को हाथ नहीं लगाते पे दूसरे को बड़ा नोट मिल जाए तो परेशान होते बुरा नहीं माने देखो अपने को कहां जीते हो उदास उदास मतलब और के पाने से चिड़ने कई साधु बन गए शादी नहीं की पर दूसरे की शादी देख लल जाते उदास होना अलग चीज है तुम विषयों से उदास नहीं होते बूढ़े हो गए हो एक बूढ़ा हा बूढ़ा अस्सी वर्ष का बूढ़ा उसकी पत्नी नहीं रही तो बेचारा दूसरे ढंग का उदास था उदास था पत्नी नहीं थी उदास माने आवश्यकता नहीं नहीं वो बड़ा दुखी था उदास माने दुखी और उदास माने जिसे चाहिए कुछ नहीं ये उदास शब्द बड़ा भ्रामक है एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं अब ये विदेशियों को मैं नहीं समझा सकता वो तो चक्कर में पड़ जाएंगे तो उदास था कई लोग आते मिलते उसे उदास देख के कहते भाई क्यों दुखी हो अब भजन करो हरिद्वार जाओ भजन करो सलाह जमी नहीं उदास होता ना तो भजन करता इसलिए उदास जब तक नहीं होगे विषयों से तब तक भजन बनेगा नहीं इसलिए क्योंकि से बैठे चित्त तो वही है उन्हीं चीजों में हाथ नहीं लगाते तो दिल लगाए बैठे कई साधु पैसे को हाथ नहीं लगाते कहते हैं तो दिल ही लगा लेते आ, आ कई लोग हाथ लगाते हैं दिल नहीं लगाते फर्क है इसलिए उस बूढ़े को बहुत उन्होंने सलाह दी जमी नहीं एक ने सलाह दी अरे कहने लगे कोई भी हो उससे शादी कर ले अब जरा मुख में रौनक आ गए तो निमिख ना हो तो उदास निमिक तुम उदास नहीं होते होते नहीं हो आशा रहती है मिल जाए मिल जाए जी देखो बच तो नहीं पाते तुम मरते हो नहीं मरोगे बच पाओगे पर आशा बचने की है कि जाने की देखो जा रहे हो पर आशा है बचने की ऑक्सीजन चढ़ा रहे हो अंतिम समय तक बचने की आशा है आप इस शरीर से उपराम नहीं हो कि चाहे तो जाए मुझे क्या निमिक न हो उदास तुम उदास नहीं हो तो शरीर बचा लोगे क्या यदि मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूं एक घर पर लोग सुना रहे थे कि वो बूढ़ा बीमार था लड़का बॉम्बे में था तो पिता के प्राण अटके रहे देखो क्या बढ़िया तरकीब है जीने की प्राण अटका लो प्राण बेटे में अटके थे प्राण नहीं निकले और कहते जब बेटा आ गया तो प्राण निकल गए ऐसा होता तो कहते बेटे को प्राण क्या है प्राण ऐसे अटकते ता मेरे खुद ही देह में अटके रह जाते मैं देह से आ सकता हूं यदि आसक्ति से प्राण रुक जाते हा आसक्ति से लौट के आना पड़ता है एक बात पक्की है प्राण अटके तो नहीं रहेंगे पर एक अर्थ में अटके रहेंगे चले जाओगे प्राण अटके रहे फिर आ जाओगे फिर चले जाओगे फिर आ जाओगे बहुर बहुर इसलिए संत का निंदक नानका बहुरी बहुरी अवतार संत की निंदा अर्थात मोक्ष मार्गी की जो निंदा करेगा कल्याण में चलने वाले की निंदा करेगा सच्चे आध्यात्मिक की निंदा करेगा इसका मतलब वो नास्तिक है और नास्तिक है माने संसार में आशक्त है इसका मतलब वो बार बार आएगा ही आएगा ही जा ही नहीं सकता मरेगा नहीं ऐसा नहीं कहते मरेगा फिर आएगा मरे अर्थात बार बार जन्मेगा मरेगा बहुरी बहुरी अवतार ऐसे तो प्राण अटकने की बात हमें भी मालूम है लड़के के लिए अटके रहे नहीं नहीं एक स्त्री का पति रहा था। सती होने की चर्चा की अब एक बार चर्चा कर दो तो फिसलना बड़ा मुश्किल होता है सती का सत्य सूर रण वो पिछल गए होवे हासी सतगुरु का मिलना नहीं हासी इस रास्ते पर भी आके पिछड़ना नहीं होता यहां आके मुड़ मुड़ के, के ना देख यहां आया है तो क्या देखता है। तो स्त्री क्षति होने को चल पड़ी लोग लाश लेके चले पीछे पीछे चल पड़ी अब जब थोड़ी दूर निकल गई तो ख्याल आया कि आटा कुत्ते खा जाएंगे तो लौट के ताला लगाने आई कि दरवाजा बंद कर दूं आटा कुत्ते न खा जाए तो किसी ने कहा भाई क्यों जा रही हो कहन ताला लगा के नहीं आई तो लगाए कहन बस अब तू इधर न जा वहीं जा ताला ही लगा वहीं रह जिसे आटा लग अब कुत्ते खा जाएंगे वो सती होएगा तो जिसको इन बच्चों यही की चिंता है वो मोक्ष में जाएगा आटा संभालो अभी इसलिए गुरु महाराज कहते हैं विषय से हो काहे रचे हो निमिक न उदास कह नानक भज हर मना पर न जम की फांस ये लाइन है फिर जम की फांस नहीं पड़ेगी प्राण अटके रह जाएंगी तो जम की फांस पड़ेगी और प्राण अटके रहेंगे यदि यहीं की चीजें मूल्यवान हैं, इन्हीं का गुणगान किया है भगवान नहीं अच्छे लगे संसार अच्छा लगा है तो प्राण अटके रहेंगे और जहां प्राण रहेंगे वहां तुम आओगे ही आओगे इसलिए जम की फांस उसे नहीं पड़ती आपसे इतना ही निवेदन कि ये मुक्ति साधना का लक्ष्य मानकर इसे सुनिए और अपनी आसक्ति हटाइए और परमात्मा की भक्ति अंदर जगाइए प्रभु के पाने का अभिपसा जगाइए अपनी जो मांग है पूरी होगी उसके लिए तैयार होइए अभी हम बंद करेंगे लेकिन एक निवेदन कि आपको चार दिन आज से इस समय से लेकर इस समय से कोई चीज जरूरत हो लिख के मांग लेना कार्यालय से कोई अच्छा नहीं लगता तो लिख के कहना कोशिश करना अच्छा बुरा लगने से तो पार जाना है हॉस्पिटल में कई बार कहेंगे पैर सीधे ही रखना है तो रखना पड़ता है ठीक होना है तो करवट नहीं लेनी तो नहीं लेनी बड़ी हालत खराब लेकिन ठीक होने के लिए यहां भी थोड़ा कष्ट उठाओ बोल करके मजा आएगा पड़ोसी से नहीं बोलो चार दिन के लिए और नवे गुरु जी की बाणी पूरी करेंगे क्यों पूरी करेंगे बाणी पूरी ना हो हम चाहते हैं तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाए धन्य हो जाए सफल हो जाए अभी यही समाप्त करते हैं